हम सब चाहते हैं अपने लिए एक स्मार्ट वॉच लेना और चाहते हैं उसमें बहुत सारे फीचर्स हो, जैसे कि उसमें बहुत सारी थीम्स हो जिसमें आप वॉलपेपर्स चेंज कर सके, उसके अंदर स्टेप मॉनिटर हो, हार्ट बीट मॉनिटर हो और भी बहुत कुछ, लेकिन उसका प्राइस जाता है 4,000-5,000 और उससे भी ऊपर। मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ एक बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं उसके बारे में आपको और कुछ बता रहा हूँ। वेलकम टू माई चैनल राहुल इंडिया एंटरटेनमेंट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच जिसका नाम है बोट वेव स्टाइल। नॉर्मली आप जब एक स्मार्ट वॉच लेने जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली आती है, पर ये मुझे अमेजोन से मिली है सिर्फ 1299 की। इसके प्राइस चेंज हो सकते हैं ऊपर या नीचे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं जो भी इसका करंट प्राइस हो। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी पैकेजिंग से। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये इतने छोटे बॉक्स में आता है, देख सकते हैं कितना प्यारा बॉक्स है। बॉक्स के सामने की तरफ यहाँ पे वॉच बनी है, यहाँ पे बोट का आइकन है और यहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा है और यहाँ पे इसका मॉडल वेव स्टाइल। पीछे की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ दिया गया है इसके बारे में, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं मैं कुछ फटाफट से आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसके फीचर्स लिखे हैं जिसमें हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर है, साथ ही साथ इसमें स्लीप मॉनिटर है। इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी आपके फ़ोन के कॉल्स की, कॉल्स आप नहीं पिक कर सकते हैं पर नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगी। ये IP68 डस्ट एंड स्वेट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कि आप इसे पहन के पानी में स्विम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बारिश में जा रहे हैं या हल्का फुल्का हाथ धोते हुए पानी आ जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद इसमें लिखा है कि इसके अंदर कैमरा और म्यूज़िक कंट्रोल है, यानी कि आप अपने फ़ोन का कैमरा एज अ रिमोट कंट्रोल इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन के गाने चेंज कर सकते हैं इसके ज़रिए। और कुछ चीज़ें इसके ऊपर नहीं लिखी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका बैटरी फुल चार्ज टाइम 2.5 घंटे का है और चार्ज होने के बाद ये पूरा 1 वीक काम करती है, ऐसा अमेज़ॉन पे मैंने पढ़ा है पर मैंने भी टेस्ट नहीं किया है। आज मैं इसकी सिर्फ अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं कुछ दिन यूज़ करूँगा, उसके बाद इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर इसकी पैकेजिंग किस तरीके से है। ये आ गई हमारी वॉच। तो बॉक्स के अंदर से हमें क्या क्या मिला है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये मिली है स्मार्ट वॉच, उसके अलावा मिला है ये चार्जिंग केबल, ये एक स्टिकर, मैनुअल और एक थैंक यू कार्ड और ये थोड़े से इसके प्रोडक्ट्स जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। से ये घड़ी कुछ इस तरीके की है, देख सकते हैं कितनी बढ़िया घड़ी है। इसका स्ट्रैप जो है काफ़ी सॉफ्ट है और इसके ऊपर यहाँ पे ये एक स्टिकर लगा हुआ है, ये हम निकाल देते हैं। तो ये घड़ी निकलने के बाद कुछ ऐसी लगती है। ये पीछे इसका देखते हैं आप सेंसर है, सामने की तरफ ये ऐसी वॉच है। इस बॉक्स के अंदर इस घड़ी के साथ ये एक मैनुअल मिला है जिसके अंदर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग ये घड़ी का HD डिस्प्ले है 1.69 इंच, साथ ही साथ इसका वेट है 46 ग्राम्स और इसके अंदर है 220 mAh की बैटरी और ब्लूटूथ 5.0। इसके हिसाब से आप इसको 2.5 आवर्स मतलब कि 2.5 घंटे फुल चार्ज करेंगे तो करीब 15 दिन तक ये काम करेगी। तो अब घड़ी को स्टार्ट करने का टाइम है, चलिए और देखते हैं ये कैसे स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, इस घड़ी का ये जो बटन है इसको आप 1 सेकेंड दबा के रखेंगे और ये घड़ी स्टार्ट हो जाएगी और घड़ी टर्न ऑन हो रही है। वेट करते हैं इसको टर्न ऑन होने का। फाइनली घड़ी टर्न ऑन हो गई है और इसकी डिस्प्ले कुछ इस तरीके की है, देख सकते हैं क्या बढ़िया डिस्प्ले लग रही है। इसके अंदर काफ़ी सारी थीम होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताता है ये। तो इस मैनुअल के हिसाब से सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है बोट क्रेस्ट ऐप। या तो आप गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे डायरेक्टली लिख के सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इसमें QR कोड भी दिया है जो आप सिंपली स्कैन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से अपने फ़ोन में डाउनलोड करता हूँ इस ऐप को। तो फाइनली ऐप इंस्टॉल हो चुकी है फ़ोन में, तो चलिए इसे लॉन्च करते हैं और देखते हैं किस तरह से कनेक्ट होगी।
तो फाइनली ऐप लॉन्च हो चुकी है। इसमें लिखा रहा है वेलकम टू बोट क्रेस्ट। सो चलिए इसे स्किप करते हैं डायरेक्टली। इसमें रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है, रजिस्टर करे बिना मे बी ये आपको आगे जाने नहीं देगा, तो चलिए इसे फटाफट से पहले रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे आपका फ़ोन नंबर मांग रहा है इसको एक्टिवेट करने के लिए, तो मैं इसमें फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर डालने के बाद ये OTP मांग रहा है, जो कि OTP मैसेज के थ्रू फ़ोन में आएगा। सो फाइनली ऐप एक्टिवेट हो चुकी है और इसके अंदर ये मुझे कुछ चीज़ें करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए वो सब हम स्किप करते हैं। और ब्लूटूथ ऑन करने के लिए बोल रहा है अब, तो ब्लूटूथ ऑन करते हैं फ़ोन का। तो हमने ब्लूटूथ और लोकेशन दोनों ऑन कर ली है, अब ये हमें अपना स्मार्ट वॉच चूज़ करने के लिए बोल रहा है, तो हम आगे चलते हैं। तो हमने अपने वॉच का मॉडल सेलेक्ट कर लिया है, तो अब हम ये डिवाइस सर्च करेंगे और डिवाइस सर्च करने के बाद हमें अपना फ़ोन डिटेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। और हमारा जब फ़ोन डिटेक्ट हो जाएगा तो हम सिंपली अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा फ़ोन आ रहा है वेव स्टाइल, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारा फ़ोन पेयर होना स्टार्ट हो गया है। और ये फ़ोन पेयर अब हो चुका है। पेयर होते ही ये सबसे पहले अपडेट मांग रहा है, तो हम फटाफट से फ़ोन अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट्स इस पर आएंगे आपके फ़ोन के थ्रू ही वो अपडेट आपके वॉच में जाएंगे। सो सबसे पहले इसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको आपको चार्ज कैसे करना है। चार्ज करने के लिए इसका केबल कुछ इस तरीके से आता है, जिसको आप सिंपली पावर बैंक में या अपने किसी चार्जर में कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पीछे की तरफ इसमें चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, तो आपको सिंपली इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। इसमें मैग्नेट है, लगाते ही अपने आप फिट हो जाता है और आप सिंपली इसको ऑन कर देंगे और ये चार्जिंग शुरू हो गई। बहुत सिंपल है चार्ज करना, 2.5 घंटे में, जैसा कि मैंने बताया कि 2.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो इसे चार्ज कर लेते हैं पहले। तो आप ये बोट क्रेस्ट ऐप के अंदर जाके इसकी सेटिंग्स में से आप अपना मनपसंद वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और थीम चाहिए या अलग वॉलपेपर चाहिए तो आप अपना पर्सनल फोटोग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं इस तरह से, और आपके फ़ोन में अलार्म यहाँ से सेट होगा। इसमें अलग फीचर है एक नोटिफिकेशन का, इसके अंदर आपके फ़ोन के कॉल्स नहीं रिसीव होते पर आपके मैसेजेस, व्हाट्सएप, जो भी आप ऐप यूज़ कर सकते हैं सबके नोटिफिकेशन फ़ोन पे आ जाते हैं। इस तरीके से उसकी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। इसमें एक ऑटो ऑन का फीचर है जिसके अंदर वॉच अपने आप ऑन हो जाती है, जैसे कि अगर आपकी हाथ ऐसे हैं तो अगर आप इसको ऐसे मूव करते हैं तो ये घड़ी अपने आप ऑन हो जाती है। सो आई होप आपको ये वॉच पसंद आई होगी, मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। तो मैं इसको कुछ दिन यूज़ करूँगा, उसके बाद इसका एक अलग एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इसके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।